हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अलाइसब्लू। मैं हूं टीफेन गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी, देखेंगे कहां पे एंट्री कर सकते हैं। तो पहले आप देख सकते हैं, अगर कोई इंटरनेशनल मार्केट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को देखना है तो अलाइसब्लू का ब्लॉग में जाके आप देख सकते हैं। जैसे आप ये जो ब्लॉग एंट आई क्यू है, यहाँ पे जाके एंट आई क्यू में आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे ट्रेडिंग वेरियस टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको मिल सकता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और आप ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जाके जो ब्लॉग है, तो यहाँ पे भी इंटरनेशनल इवेंट क्या हो रहा है तो उसका ऊपर आप पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल्स। डे बाय डे हम लोग का अपडेट करता रहता है इंटरनेशनल। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी लास्ट 2 to 3 days कंटिन्यूअस नीचे आ रहा है, लेकिन एक अभी जो बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है एक रेंज में आ रहा है, राइट। तो एक रेंज में जैसे देखता है, देख सकता है ये एरिया से फिर से एक रेंज मिला हमें। तो जैसे मैंने ये रेंज में था तो आपको बताया था यहाँ से मार्केट थोड़ा रेजिस्टेंस लाइन यहाँ तक जाने वाला है, वहाँ से मार्केट आपको सेल करने के लिए बोला था, जैसे पुट ऑप्शन बाय करने के लिए बोला था। तो यहाँ से देख सकते हैं फिर से एक रेंज में आ रहा है मार्केट, राइट। तो यहाँ से आपको अगर एंट्री करना है तो मार्केट को रिट्रेस करने देना चाहिए, क्योंकि जब ये ब्रेकआउट होता है तो फिर से एक रिट्रेसमेंट होता है। तो रिट्रेसमेंट जैसे आपको 27,200 के आसपास मिलता है तो आप पुट ऑप्शन बाय में जा सकते हैं और इसका हायर पॉइंट में आप एसएल लगा के और आपका टारगेट नेक्स्ट यहाँ पे हो सकता है 27,000 के आसपास, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे एंट्री करना है तो अगर बाय एंट्री किया तो यहाँ से आप निकल सकता है 27,000 से, क्योंकि अभी ये लोअर लो बना रहा है। तो ये एरिया से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर सकता है, जैसे ये लोअर लो क्रिएट हुआ, राइट। ये लोअर लो था, ब्रेकआउट किया तो यहाँ से फ्यूचर रिट्रेस किया, तो ये लोअर लो था ना, ब्रेकआउट किया तो फ्यूचर यहाँ रिट्रेस कर सकता है, राइट। तो अगर इसको ये लेवल जो मैंने रेजिस्टेंस लाइन दे के रखा है, ये कनेक्टेड रेजिस्टेंस, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट कर दिया और ये हायर पॉइंट को ब्रेकआउट कर दिया तो मुझे लगता है यहाँ से फ्यूचर ये मार्केट 27,600 के आसपास जा सकता है, राइट। तो इसलिए आपको देखना है, यहाँ से आपको अगर सेल में जाना थोड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि ये जैसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, जैसे 1 try 2 try 3 try, राइट, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ से फ्यूचर मार्केट रिवर्स कर सकता है ये एरिया से, तो ये एरिया में मिले गया तो आपको सेल में जा सकता है, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।